थोड़ा सा। अगर आपको इंडिया गेट जाना है तो उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको इंडिया गेट कैसे जाना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अकबर मदन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है आपकी 31 दिसंबर, यानी कि जो हमारा ये साल है वो निकल रहा है, हमसे बिछड़ रहा है। इस साल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। महसूस हमारे कितने बुरी तरीके से रखे हैं, बाप रे यार क्या करे, इतनी ठंडी धुल भी नहीं सकते इनको। आज ये वाली जैकेट पहनेंगे, ये हैवी जैकेट की ज़रूरत है। सुबह हम रेडी हो गए और हम अब मुँह में लगा रहे हैं सेट वेट। सुबह मुँह सेट हो गई है और आज हम ये लगा रहे हैं कैप, तो आज हम वाली कैप में लगा रहे हैं। ठंडक के मौसम के साथ में ठंडक वाली चीज़ें करते हैं, तो बताइए गाइस कैसा लग रहा है। पूरा बताएंगे कि अगर आपको इंडिया गेट जाना है तो किस तरीके से जाना है, क्योंकि मैं जब अभी निकल रहा था ना तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा था, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग है, एंड तक देखें, बहुत मजा आएगा। थैंक यू भैया, आ गए आपके मेट्रो स्टेशन पे। अगर आपको इंडिया गेट जाना है तो उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको इंडिया गेट कैसे जाना है, कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, क्या किराया लगता है, तो फुल इन्फॉर्मेशन है, पूरा एंड तक देखें, बहुत मजा आएगा। ये आपका जो सोला विहार शहीन बाग मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम पकड़ेंगे कालका जी के लिए। ये आपका मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आपको गेट नंबर 4 से निकलना है। अब यहाँ से चलते हैं इंडिया गेट और देखते हैं कि यहाँ से इंडिया गेट कितना दूर है। मैप है आपको सिर्फ जो है आपका 2 किलोमीटर, ये सामने है, मतलब ये वॉकिंग डिस्टेंस काफी, तो ये आपका इंडिया गेट है और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है। तो आप चाहे वॉकिंग डिस्टेंस से चले जाएं या फिर आप शेयरिंग में ऑटो ले लें, तो उधर से आई थिंक शेयरिंग ऑटो मिलेगा, देखते हैं कितना रुपए लेगा। और ये आपका राजपथ है, तो यहाँ से धीरे से हाथ दे के निकल लो, देखो कितने सारे जो थे यहाँ से भीड़ लगी हुई है। ये भाई जो सलमान खान वाला पोज भी मार रहे हैं, SRK भाई, यहाँ से भी जा सकते हैं। पानी है, बीच में आपका ब्रिज बना हुआ है। ये सारे हमारे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल। जब निकलो ना अकेले ऐसे रास्ते। हमने नाहिद को फोन किया तो नाहिद को ठंडक लग रही थी, दानिश को यहाँ पे आना नहीं था, और तो हमने कहा कि यार अकबर अहमद तू कब तक मतलब कि किसी के साथ ढूंढेगा, जब अकेले निकलेगा ना तो खुद ब खुद साथ बन जाएंगे, इसलिए आज हम अकेले आ गए हैं। हालांकि कम्मू आ रहे हैं, मेरी बात हो चुकी है, तो हम है वो ढल चुकी है। ये आ गए हम आपका राजपथ में, हम है इस वक्त राजपथ में, और ये जो सामने आप देख रहे हो यहीं से 26 जनवरी की परेड निकलती है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि 26 जनवरी में हम थोड़ा सा पहले आए और यहाँ पे आ जाए, चीज़ें पता चल गई। और फर्स्ट टाइम इंडिया गेट आया हूँ जब से मैं दिल्ली आया, क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं बन पाया, फाइनली आज अचानक से बन गया कि चलो इंडिया गेट चलते हैं। तो आप पहुँच गए हैं इंडिया गेट। हमें और जीने की तमन्ना नहीं पता तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइज, अगर आपको इंडिया गेट आना है तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने वाला हूँ। अगर आप आ रहे हैं इंडिया गेट तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है आपका केंद्रीय सचिवालय, गेट नंबर आपको 4 से निकलना है। सामने से ही पार्क स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आएंगे राजपथ मिल जाएगा, तो सीधे आना है। आए हैं तो शेयरिंग में भी आ सकते हैं, 20 रुपया लगेगा, और ये तो पैदल आ सकते हैं। अगर आप टहलने या घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आप पैदल आ जाए, अगर धूप वगैरह नहीं है। और सामने मेरे इंडिया गेट है, ये है, तो मैंने सर्चिंग करके आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आना है तो केंद्रीय सचिवालय ये पड़ता है आपका बॉर्डर लाइन में। इस 26 जनवरी की जो तैयारी है ना वो अभी से शुरू हो गई है थोड़ा सा। भाई बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं, हर दिल जो प्यार करेगा, एंड थैंक यू भाई, ऐसी टैलेंट है, जब भी आपको ऐसे लोग मिले तो उनकी हेल्प जरूर कर दिया करें। यहाँ पे भुजिया ठंडक के भुट्टे, और यहाँ पे ये इनके देख लीजिए इंडिया गेट की भीड़ है। नहीं यार मैं तो खुद कैमरा लिए हूँ। यहाँ पे अगर आप आओ ना तो आपको बहुत सारे कैमरामैन मिल जाएंगे जो कहेंगे भाई हम फोटो खींच दें, हम फोटो खींच दें। देखो डिबेट चल रही है। फाइनली हम जस्ट आपके इंडिया गेट के नीचे आ गए, और ऐसी भीड़ में आने में एक अपना अलग ही मजा है। आहा भाई, इतनी देर बाद मुझे सुकून की सांस ली, मैं बहुत आम की गुठली और पतली कमर की लड़की हमेशा हाथ से फिसलती रहती है। क्या कह दिया भाई? तो यहाँ पे देखिए ये पहले से ही प्रपोज किया जा रहा है। सोनम गुप्ता बाबू, सोना बाबू, नया साल कैसे मनाने वाले इस बार? नया साल ऐसे मनाने वाले हैं कि बाबू विद फैमिली के साथ, कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं, बाबू नहीं, कोई धोखा है, ये सब करके कुछ होता है। जब पगली से मैंने दिल लगाया उसने चूना लगा के चला गई, और अच्छी होती तो पता नहीं क्या क्या लगाती जब पगली चूना लगा गई। अच्छा लगा मिलकर। करते हो आप? हाँ भाई। अच्छा क्या बात है, सारे प्रैंकर्स खड़े हैं आई थिंक।
ये ना कितना दायरा है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। पहले आप अंदर तक जा सकते थे, पूरा इंडिया गेट को छू सकते थे। किसी को पता नहीं होगा कि कितना माहौल कैसा होता है, तो ये हमारे ब्लॉग में बेसिकली ये है कि आज के दिन यहाँ पे माहौल कैसा होता है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? एकदम बढ़िया भाई। कहाँ से हैं आप? गया जिला से। कि आपको बधाई बहुत बहुत। आपको ही भाई। आपको ही बहुत बहुत। आपको भाई नए वर्ष की बधाई बहुत। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको लाइक करें, फॉलो करें एंड भाई को सब्सक्राइब करें। ओ, नए वर्ष की बधाई। ओ, ये हमारे कम्मो, सबसे पहले इनको नए वर्ष की बधाई बधाई बधाई। बताओ पार्टी किस क्लब में दे रहे हो? सॉरी मेरे को नहीं, मैडम को लग गया। दोस्त लोग, अबे यार वो पता नहीं कहाँ है। हिरा गए क्या? हाँ यार हिरा गए, मतलब मोदाहाबाद क्राउड है, बहुत गंदा है। मतलब गंदा नहीं, अब लोग भाई आए हैं, सब लोग, हम लोग भी तो आए, हम भी तो उसी क्राउड का एक हिस्सा है, तो गंदा कैसा हो सकता है। वी आर नॉट अ डर्टी मैन। हस्बी नहीं यार, मतलब नए वर्ष की बधाई नेट मान अभी। कहाँ पटक सब खत्म हो गया, इनके बचपन ना गया भाई। हम लोग की फोटो वोटो हो गई है। चाय पीने चलना है कि वेट करना है उनका? भाई वो भी तो आगे फोटो खिंचाएंगे नहीं खिंचाएंगे। मिनट लगेगा आ रहे हैं। ये है हमारे नेताजी की मूर्ति, स्टैचू सुभाष चंद्र बोस जी की। भाई फोटो तो हो गया है और फोटो, और हमारे भाई भी हमको शामिल कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजर है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बजाज फाइनेंस के बजाज में है लीगल मैनेजर। अमर तुम तुमको पहले जाएंगे। सत्यम भाई है। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। यह हमारा सस्ता वाला न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों को बस गर्मी हो तो लोग यहीं पैर डाल के बैठ जाएं। और यहाँ पे जगह जगह आपको मिल जाएंगे डांसर, एक्टर, सारे लोग। बड़ी डांस किया भाई, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे हो रहा है 52 गज का डांस। क्या नाम भाई आपका? अनुज तिवारी भाई कर रहे हैं। होगा 52 गज का डांस का धमाका, क्यों? सामने इंडिया गेट के। तो चलिए गाइस, वैसे हम भी शौकीन है डांस के, तो हम भी थोड़ा सा डांस करेंगे। ये पूरा आपका सिस्टम है, कहीं डांस हो रहा हो और हम रुक जाए, ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? अरे जो अरे जो भाई, हो गया बहुत धमाका। हमने भी डांस कर लिया, आया एकदम डांस कर दिया और फाइनली कैसा लगा भाई? हो मजा आया, मतलब नहीं है जबरदस्त। फिलहाल अगर आप आ रहे हैं और आपको एग्जिट करनी है तो नीचे से आपको करना पड़ेगा। ये बना हुआ है आपका अंडर पास, यहाँ से जाने मिलेगा। आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कितने किलोमीटर का ये पथ है, क्या है। तो ऐसे पूरे पोस्टर लगे हुए हैं लाइन से, एंड ये देखिए ये पूरा मैप है आपका इंडिया गेट का। यहाँ से यानी कि पता जो आपका, ये देखिए ये आपका राष्ट्रपति भवन और मेन चीज़ें हैं। फिर यहाँ आप आओगे तो ये आपका इंडिया गेट है, सामने इंडिया गेट और ये आपका राष्ट्रपति भवन और ये है आपका न्यू पार्लियामेंट एंड ओल्ड पार्लियामेंट, बिल्कुल आसपास है। यानी कि ये पूरा जो सर्किल है ना, ये पूरा सर्किल एक साथ है। ये आपका 1955 की ये इमेज है और तब ऐसा था, देन फिर ये चेंज हुआ और ये उससे भी ओल्ड है। फिर ये बता से पिए जाएगा कैसे दी पावर भैया? ये तीन पावर कितने के हैं? अच्छा ऐसे 10 में दे रहा है। तो ये भाई निकालो, सामने राष्ट्रपति भवन है लेकिन कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम राजपथ में टहल रहे हैं इस वक्त एंड तैयारियां हो रही हैं 26 जनवरी की। तैयारी हो रही है, मजा आया। पूरा इधर देखो, इधर साइड, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी हमारी 100% रहेगी कि हम लोग परेड में जरूर शामिल हों। यहाँ पे हम आ गए पकौड़े और यहाँ पे गर्मा गर्म बन रही है आपकी चाय। चाय ना हम लोग? हाँ पाँच जी भाई, हमारी चाय आ गई है। शुक्रिया शुक्रिया, आराम से वाली है, मतलब ऐसी चाय बड़ी पसंद आती है, अदरक वाली कलर। ये देखो अकेले अकेले ठूसने में लगे हैं। वाह जनाब वाह वाह। हम अरे भैया कहाँ है भाई? भाभी नहीं मिली थी आपकी, दोस्त ही था। नेशनल टीवी पे बदनाम कर रहे हैं। नेशनल टीवी ब्रेड पकौड़ा, हमारे यहाँ ब्रेड पकौड़ा बोलते हैं। अच्छा मुझे लगा कुछ और बोलते हैं। स्टार्ट तो कर। अबे स्टार्ट है ना? कहाँ स्टार्ट है? अबे ये रिकॉर्डिंग दिख रही है। अच्छा अंदर ढक्कन लगा भाई। फाइनली आज हमारा प्लान था कि हम घर पे नहीं रहेंगे, कितनी भी ठंडक हो, और हम 31 दिसंबर जो कि हमारा साल का आखिरी दिन था। इस साल तो मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, तुम्हारा कैसा रहा? बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। सेम हेयर। तो बस हमारा ये पूरा जो आज था, इंडिया गेट गया, मस्ती किया, डांस भी हमने बहुत धमाकेदार किया। कैसे डांस लगा? बहुत बढ़िया। इंडिया गेट के सामने भाई
मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मजा आ गया वो लौंडे का भी और मेरा एक लड़का ही मिल गया था लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा सही था एंड मेरी पूरी यूट्यूब के फैमिली को पूरी इंस्टा के फैमिली को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर तो बस के लोगों अकबर के फॉलोअर्स अकबर की फैमिली फूडी कम्मो बिल्कुल और मोदा के साथ साथ दिल्ली वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको सबको जो जहां से बंदा है सबको। तो बस ये हमारा आज का ब्लॉग था और इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। दुआ करता हूं मैं कि जो आने वाला 2024 से आपकी जिंदगी में खुशियां लाएं, आपका कारोबार सब कुछ अच्छा हो जाए, आप खुश रहें। तो बस इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा हम नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ है, अल्लाह हाफिज़।